मेरा ये एक आम सवाल है, तो सवाल यह है कि अल्लाह ताला ने अगर किसी मुसलमान शख्स को अगर कुछ नियमत से नवाजता है, सपोज कुछ जगह पर घूमने गया, कुछ खाने को मिला, कुछ नौकरी मिल गई, बच्चा पैदा हो गया, कुछ लोग बहुत सारे हमारे मुसलमान लोग क्या करते हैं, ये व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल देते हैं, किसी को जलाने के लिए नहीं ऐसे ही डाल देते हैं, कुछ अच्छी चीजें हुई उनके साथ, तो कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने जो नियामत दी है उसे छुपा कर रखो नहीं तो नजरे बद लग जाती है, तो हम क्या उसे वो सब करना क्या सही नहीं है इस्लाम में? जी इसके अंदर शेख शाबान जी पहले बताएं। उलमा कहते हैं जैसे बच्चों की तस्वीर लगाना मसलन हो गया, तो नेमतों को छिपाने के बारे में भी उलमा ने जिक्र किया है, लेकिन नेमतों के छिपाने के का मतलब ये नहीं है कि उसका शुक्र ना अदा कर, और नेमतों को छिपाने का और बयान करने का ये मतलब नहीं जैसा यहाँ पे जिक्र हुआ है कि स्टेटस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये हिल्लत हुरमत का मसला नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ, अगर कोई मुनकर चीज से तस्वीर लगाता है स्टेटस में, तो अब जो उलमा तस्वीर की हुरमत के कायल हैं, जाहिर सी बात है इस कौल की रोशनी में उसका तस्वीर लगाना ये दुरुस्त नहीं होगा। माँ किसी को बच्ची पैदा हुई, बच्ची की तस्वीर लगा दिया, तो जाहिर सी बात है ये दुरुस्त नहीं होगा। लेकिन अब बच्ची पैदा हुई, बच्चा पैदा हुआ एक नियमत है। अब उसने लिख दिया स्टेटस पे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आज मुझे बेटे से नवाजा या बेटी से नवाजा, नाबास जी थी। ये ऐसा कुछ नहीं है कि अब इसमें कोई हसद हो जाएगा या कोई और मामला हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी बताना बताता फिरे कि मेरे पास जो है 10 करोड़ की प्रॉपर्टी यहाँ है, और मेरे घर में सुबह में जो है ये पकवान होता है, और दोपहर में ये हम लोग खाते, और शाम में हम वो लोग खाते, और हम लोग जो है महीने में 2 बार यहाँ घूमने जाते, वो पूरा वो बयान कर रहा हो बैठ करके, तो जाहिर सी बात है हमारी बीवी ऐसा पहनती है, हमारी बेटी ऐसा है, तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा, इस बार बार के बयान से एक दूसरे आदमी को जिसको अल्लाह ने नहीं नवाजा है अजियत होगी। तो अब ये सूरत गलत हो गई। तो असल में इसमें मुतय्यन करके हम कह नहीं सकते कि क्या नियमत है जिसको कैसे छुपाया जाए और जाहिर करने को कैसे जाहिर किया जाए। बस ये है कि कभी जाहिर करने का मौका आ जाए तो जाहिर कर दिया, लेकिन उसका रिया और ऐसी कोई नियत ना। हाँ, कोई मुनकर चीज है, कोई मुनकर जिसको उलमा ने मुनकर कहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसको जाहिर ना करे, और हर जो भी नियमत अल्लाह ने दी है उसका शुक्र अदा करे। अब शुक्र में बाज दफा कह करके भी शुक्र है, बाज दफा बाज हालात आते हैं कि आपको कहना भी पड़ता है कि अल्लाह ने यह दिया है जबान से। और शुक्र का एक तरीका यह है कि जो नेमत दी है उस नेमत में गैरों को भी शरीक करे, ये भी शुक्र का तरीका है। शुक्र का एक तरीका यह भी है कि अल्लाह की इबादत और उसका शुक्र करे, अल्हम्दुलिल्लाह कहे, ये भी शुक्र है। शुक्र का एक तरीका यह भी है कि मसलन मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ, जब सूरह फातिहा में गुफ्तगू करता हूँ तो ये बात मैं हमेशा कहता हूँ हर बयान में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। तो अब आप जो है अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है? एक अल्हम्दुलिल्लाह वही वाला है जो आप कहते हैं के अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पांचों बेटों ने बड़ा नंबर हासिल किया, ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह क्या है असल में, अल्लाह का शुक्र के आपने ये सोचा कि मेरे बेटे को अल्लाह ने मौका दिया, मेरे बेटे को अल्लाह ने सही सलामत दिया, मेरा इसमें कोई किरदार नहीं है। फला का बेटा पैदा हुआ, माजूर पैदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा माजूर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये दिल से निकले। उसने भी दुकान खोली, मैंने भी दुकान खोली, बल्कि उसके पास पैसे ज्यादा थे, फरामानी ज्यादा थी, लेकिन मेरी दुकान चल गई उसकी दुकान, हालांकि वो मुझसे ज्यादा जहीन है, हालांकि मुझसे ज्यादा आबादन में भी ताकत में भी काबिल है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सीने से उठे अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला अल्हम्दुलिल्लाह। तो असल में शुक्र में कुफ्र में और जो आप बता रहे हैं इजहार में, इसमें कोई मुतय्यन चीज मैं तो नहीं कह सकता, इसके अलग अलग सिचुएशन और अलग अलग हालात हो सकते हैं जिसमें मुतय्यन करके बताया जाए कि भाई ये तरीका आपका गलत है। किफायत भाई कुछ बताएंगे तो मैं भी इस्तेफादा करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो अवहम परस्ती लोग फैलाते हैं ना, उनको बाज आ जाना चाहिए। ठीक है, शेख शाबान ने जो भी बातें की सब अपनी जगह पर है। आप ये कहिए कि भाई तस्वीर हराम में नहीं लगाना चाहिए, इस तरह की बात है, लेकिन ये कि कोई आफत आ जाएगी, कोई नजर लगा देगा, इसको इतना ज्यादा, चलो भाई कभी आदमी बोल भी दिया तो भी चलता, लेकिन इतना ज्यादा खौफजदा करना और इतना ज्यादा अवहम परस्ती में मुबतला कर देना पूरी कौम को कि एक आदमी जो है एकदम खौफजदा हो जाए कि बस देखने ही से ये हो जाता है, देखने से हो जाता है, और आदमी एक दूसरे से दुश्मनी पालने लगे। कोई किसी घर पे मेहमान बन के आ गया और उसके जाते ही बच्चे की तबीयत खराब हो गई, तो अब उसको इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि उसने कुछ ये किया है, नजरबद किया वगैरह वगैरह, तो ये बहुत ही बेहुदा हरकत है कि आज पता नहीं कहाँ से लोग इस तरह की बातें सीख के आते हैं और इतना ज्यादा अवहम परस्ती फैला रहे हैं कि ऐसा लगता है कि आदमी किसी से मिलना जुलना बंद कर देगा। अगर किसी के घर पे कोई आया है तो बच्चों से मिलना बंद कर देगा। तो इस तरह से अवहम परस्ती नहीं फैलानी चाहिए। अल्लाह के नबी
सलसम के दौर में, साहब ग्राम के दौर में ऐसी मिसालें नहीं मिलती कि अपने बच्चों को बिल्कुल छुपा के रखते हों और ये कहते हों कि भाई कोई देख लेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये पता नहीं कहाँ से लोगों ने लिया कि बच्चों को देखते नजर लग जाएगी, छुपा के रखो। तो इस तरह की बातों को की हौसला अफजाई नहीं करना चाहिए। जी शेख किफायत, मैं एक सवाल इसमें पूछना चाहता हूँ, क्योंकि एक नबी के बेटे, सात बेटे ऐसा कुछ थे, ऐसा कुछ बताते कि तुम लोग सारे एक दरवाजे से मत दाखिल हो, अलग अलग दरवाजे से दाखिल हो, यानी नजर लग जाएगी। तो क्या ये रिवायत सही है? मुझे नहीं मालूम इस रिवायत के बारे में, अल्लाह वाला। ये तो बाकायदा जो है मेरे ख्याल से कुरान में बात जिक्र है, वो तो मसलहत की बात होती है ना, नजर की नजरे। लेकिन क्यों कहा था उसमें ये नजरे बद का जिक्र नहीं है कुरान की आयत में? हाँ कुरान, वो तो मुझे मालूम कुरान में है, मुझे मेरे भी नजर में है, सूरह यूसुफ में कुरान में जिक्र है, लेकिन नजरे बद वाली रिवायत कहीं नजरे बद का मसला उसमें नहीं। हाँ ये जो है कि भाई भी जैसे मुफस्सरीन मतलब बहुत सारी बातें जिक्र कर देते हैं ना, तो उसी में से एक बात बतौर नुक्ता जो है कुछ लोगों ने जिक्र कर दी है कि यानी कि अब मसलहत क्या थी, हिकमत क्या थी, जाहिर सी बात तो बयान नहीं है आयत में, लेकिन बाद ने जब मसाले बयान किए हैं तो उसमें ये बात भी कह दी कि नजरे बद से बचने का मामला था, ऐसा कह दिया है। अब जाहिर सी बात है वो तो मुतय्यन है नहीं कि हाँ उसका उसकी यही हिकमत थी, उसकी यही मसलियत थी। तो असल में इससे इस्तिनास हो सकता है जब असल दलील मौजूद हो, असल दलील जब मौजूद हो तो इस्तिनास आप कर सकते हैं, लेकिन ये असल दलील नहीं है इस बात के लिए कि अगर ऐसा करेंगे तो नजरे बद, भाई तो कितना नजरे बद से बचेंगे। यानी वो यानी मैंने तो बाज़ उलमा का जिक्र किया मतलब एहतियातन कि हाँ बाज़ लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन ये बात सही है किफायत भाई ने जो बात कही कि भाई कितना अब आप रास्ता भी नहीं चलेंगे, रोड भी नहीं चलेंगे, अच्छा कपड़ा भी नहीं पहनेंगे, कहीं खाना भी नहीं खाएंगे। लोग झगड़ा और दुश्मनी करवा रहे हैं, लोग झगड़े और दुश्मनी करवा रहे हैं। आपके घर पे कोई मेहमान आया और उसके जाति कुछ हो गया तो सारा बिल उस पर फाड़ेंगे कि उसकी स्वीति किस तरह से दुश्मनी आपस में और बदगुमानी और एक दूसरे से मिलना जुलना आदमी बंद कर दे। तो ये पहले नहीं था, लेकिन ये पता नहीं कहां कहां से लोग इस तरह की बदअखलाकी फैला रहे हैं। ये इम्पोर्टेड है जी, आया हुआ है पास में। मैं भी कई लोग, हम हमारी भी उम्र 40 साल की हो गई, हमने ऐसा कभी नहीं सुना, लेकिन अब पता नहीं लोग ये बातें कहां से लाला के फैला रहे हैं कि मिलना जुलना आदमी बंद कर दे, किसी के साथ उठना बैठना बंद कर दे। ये उलमा के फतावे लोग जिक्र करते हैं इसमें, और जो मुतखर्रजीन है वो इस मसले को, बात मुतखर्रजीन इस मसले को बहुत बयान करते हैं, तो वहीं से ये बात आई हुई है सब। जी चलिए, अच्छा डिस्कशन हुआ। आरिफ भाई आपको जवाब मिल गया होगा। जी जी जज़ाकअल्लाह, आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ठीक है, जो लोगों के जवाब मिल चुके हैं तो वो लोग अगर स्टूडियो में लीव करेंगे तो दूसरे लोगों को जगह मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा एक बात वजाहत जरूरी थी जैद भाई, हम लोगों ने जो एक गुफ्तगू की इससे ये ना समझा जाए कि हम लोग नजरे बद को बरहक होने को नहीं मानते। हदीस में साफ तौर पर मौजूद है नजर लगना बरहक है। हाँ तो ये कहीं जहन में किसी के ना चला जाए, ये जो वाजे किया है वो सिर्फ इस वजह से वाजे किया है कि फिर ऐसा ना हो जाए कि अहम का शिकार हो जाए, बस। वरना नजरे बद बरहक है और हो जाता है भाई। ये भी तो है ना कि किसी की नजरे बद का एक मसला और, कि नजरे बद लगने में जरूरी नहीं कि वो हसद कर रहा हो या कर रही हो। नजरे बद लगने में कोई हसद कर रहा हो कर रही हो जरूरी नहीं है, बस लग गई, ऐसा हो सकता है। तो ये भी दूसरा पॉइंट ये भी सामने रखें आपकी। हाँ एक और चीज जोड़ दूं, उसके लिए बेहतरीन चीज ये है कि आप सुबह शाम के अजकार की पाबंदी करें, दुआओं की पाबंदी करें, यानी आप अपना तहफ्फुज़ करें दुआओं के जरिए, अजकार के जरिए, ना कि लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें या उनके बारे में बदगुमानियां शुरू कर दें। उससे बेहतर ये है कि आप ज्यादा ज्यादा दुआएं पढ़ें। अगर दुआएं पढ़ेंगे, अजकार पढ़ेंगे ना, तो आप महफूज रहेंगे, आपके घर वाले भी महफूज रहेंगे, कोई मसला नहीं होगा। तो ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि आप अजकार की पाबंदी करें, बनिस्बत इसके कि आप दूसरों को शक्किया निगाहों से देखें, आपसे कोई मिलने आए उस पर जो है बुरी निगाह से देखें। तो ये तरीका सही नहीं है। बाकी शेख शाबान ने बहुत अच्छी वजाहत कर दी कि हम उसकी मुमकिन नहीं, नजर लग जाती है, लेकिन उसमें जो है अगर दुआ की पाबंदी करेंगे तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा। बहुत बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, बैलेंस वाली बात है, इत्तेदाल वाली बात है। और बाकी अगर ऐसा डरे आदमी तो फिर हम लोग भी सब छुप जाएंगे, यहाँ पे कोई नजर लग जाएगी भाई। हाँ तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है जिंदगी में अगर इस तरह से डर डर के गुजारे जिंदगी। तो चलो नेक्स्ट गेस्ट है जैद सलफी। इस क्लिप की फुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। iPlus TV ने एक नया YouTube चैनल शुरू किया है जिसका नाम है iPlus TV इख्तलाफ का हल। इस चैनल पर सिर्फ इख्तलाफी मसाइल पर वीडियोस आएगी, लेकिन दलाइल के साथ और भाईचारगी के साथ।
आपको मैं दावत देता हूं कि आप भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन आइकन को ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। जज़ाकअल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।